रीजन क्या है? वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं और पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208. अब तो मेरे ख्याल से 6 भी 208.6 से ऊपर है, 6 से ऊपर है और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है। तो एक दो दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। सर, दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट जो बंद किया जिन्होंने आपने बताया, इससे जो दिल्ली की वासी है, दिल्ली की जनता है, उनको कितनी परेशानी होगी सर? मैंने बताया कि मैक्सिमम 1.5-2 दिन तक, कल मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे, कल शाम तक शुरू कर पाएंगे। क्योंकि केवल पानी कम नहीं होना, पानी कम होने के बाद उनको मशीनों को सुखाना भी पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, उसकी सारी तैयारी है। जैसे ही पानी कम होगा मशीनें सुखाने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जनता को तकलीफ़ होगी, जनता को उसका सामना करना पड़ेगा। सर, वाटर फ्लोइंग काफ़ी हो रहा है और सड़कों तक पानी पहुंच गया है, जिससे दिल्ली वासियों काफ़ी, वो कल ही मैंने बता दिया था जो हमारे पास रिपोर्ट सारी थी कि पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं वहाँ पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, नॉर्मल स्थिति कब तक हो जाएगी? देखिए, जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं CWC के, वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुँच जाएगा, उसके बाद कम होना चालू होगा, ऐसी प्रेडिक्शंस CWC के हैं।